अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रॉड आई टेक सीरीज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये ओपन शॉट ट्यूटोरियल अब वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त और एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो है कि आप अपनी वीडियो के किसी भी पार्ट को ब्लर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपका कोई चीज़ है, कोई पार्ट है ऐसा वीडियो का जो आप नहीं दिखाना चाहते किसी भी पर्पस की वजह से, कॉपीराइट या वैसे आप उसको छुपाना चाहते हैं, तो आप उस पार्ट को बड़े आराम से वीडियो अपने ओपन शॉट सॉफ्टवेयर के थ्रू, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको ब्लर कर सकते हैं। तो जनाब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। ये जी आपका ओपन शॉट है, और यहाँ से मैं फाइल इंपोर्ट करता हूँ। फाइल मैंने जहाँ पे रखी हुई है, अब तो आप सबको भी बात याद हो गया होगा। तो जी ये मैंने फाइल इंपोर्ट की, ये मैं ट्रैक के ऊपर लेकर आया। अब मैं ट्रैक के ऊपर लेके मैं इसको थोड़ी सी वीडियो को रेजर टूल से कट करता हूँ, इसको डिसेबल करता हूँ, बाकी वीडियो को करता हूँ डिलीट। अब इस वीडियो को जो आपके सामने नज़र आ रही है, इस वीडियो को मैं ब्लर करना चाहता हूँ। अब ब्लर किस तरीके से करते हैं कि ये जी सबसे पहले पहले तो मैं जी इस वीडियो की वॉल्यूम को ख़त्म कर देता हूँ, ताकि अगर ये वीडियो चलाऊँ तो मेरी आवाज़ आपको अच्छे तरीके से आए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास एक इफेक्ट्स की ऑप्शन है। इफेक्ट्स की ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट यूज़ है। आप ब्लर इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राइट एंड कंट्रास्ट इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कलर शिफ्ट डिफरेंट हैं आप कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं, अगर आपने किसी पार्ट को नहीं दिखाना, तो आपके पास जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ उसको कहता हूँ पिक्सेलेट की ऑप्शन। इसको आपने पकड़ना है, ड्रैग करना है, ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ला के रख देना है। अब वीडियो के ऊपर आप जैसे ही ये लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि अब ये वीडियो आपकी ब्लर हो गई है। अब यहाँ पे एक पी का साइन बन गया। अब अगर आप इस पी के साइन को करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं जो ब्लर वीडियो की प्रॉपर्टीज है, जो ब्लर इफेक्ट की बेसिकली प्रॉपर्टीज है। आप इसको यहाँ से पिक्सेलेट कम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से पिक्सेलेट बढ़ा भी सकती हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये मैंने पूरी वीडियो को नहीं करना, मैंने कुछ पार्ट इसका करना है, तो ये आपके पास देखें लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की ऑप्शन है। आप इनको यूज करके अपना, अब मैं इसको देखें जैसे करता हूँ, तो आप ये देखें कि मैंने लेफ्ट मार्जिन को किया, मैंने कहा कि जी मैं अपनी राइट साइड से वीडियो को पिक्सेलेट करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर बॉटम से मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ये वीडियो ऊपर आ जाए। ये देखें जी मैंने बॉटम से ऊपर कर दिया। फिर मैं कहता हूँ कि राइट मार्जिन के ऊपर मैं किया, ये देखें मैंने राइट से भी अपनी थोड़ा सा सेट कर दिया, और टॉप से भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ये कर दे। आप देखें कि इस पूरी वीडियो के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो आपका पिक्सेलेट हुआ हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं ब्लर हुआ हुआ है। तो आप इस तरीके से यूज करके आप अपने वीडियो के कोई भी चीज को, कोई टेक्स्ट है उसको ब्लर करना चाहते हैं, कोई इमेज है उसको ब्लर करना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी चीज है जो आप नहीं शो करना चाहते अपनी वीडियो के अंदर, तो आप ये ऑप्शंस यूज करके पिक्सेलेट या ब्लर की ऑप्शन को यूज करते हुए वो कर सकते हैं। बाकी आपने अपनी सेटिंग्स करनी है, वो सेटिंग्स के थ्रू आप वो उस पार्ट को उतने ही मार्जिन के साथ आप उसको ब्लर कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत काम की वीडियो है। वीडियो एडिटिंग के अंदर ये पार्ट आप डेली यूज करेंगे कि कोई 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 ना कोई हिस्सा आपने ब्लर करना ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।